B and D. What is the between? C. C. It's your choice. It's your choice. आपकी choice है कि आप चाहो तो रोज धक्के खा सकते हो. आपकी choice है कि आज शाम को आपको बीवी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के बोलेगी कहां गया था. समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपकी चॉइस है. ये सब आपकी चॉइस है. आप देखो कि आपको क्या करना है. और अब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं. मेहनत का ये काम है. कितने लोग मेहनत कर सकते हैं? आज हम लोग जरूर एसी में बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, लेकिन कुर्सियों पे बैठ के एसी में बैठ के ये काम चलने वाला नहीं है. कल से वही धक्के वाली जिंदगी, वही परेशानियां, वही तकलीफें, वही सब चीजें आपका इंतजार कर रही हैं और आपको मेहनत करनी होगी. कर सकते हो? मैंने एक सर्वे देखा कि हमारा जो दिल है, हम सब लोग दिल रखते हैं? बिना दिल के तो चल ही नहीं पाएंगे. तो एक स्वस्थ आदमी का दिल जो होता है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है. एक मिनट में कितने बार? 72 टाइम्स. और एक घंटे में अगर हम 60 से गुणा कर दें 72 का, तो वो 4320 बार धड़कता है एक घंटे के अंदर. यानी एक दिल, छोटी सी चीज, बहुत छोटा सा दिल, हमको जिंदा रखने के लिए एक घंटे में 4320 बार मेहनत करता है. और उसको अगर हम पूरे दिन 24 घंटे से डिवाइड करें तो 1,03,680 बार धड़कता है. हमको जिंदा रखने के लिए, सिर्फ जिंदा रखने के लिए दिल 1,03,680 बार धड़क सकता है. तो दोस्तों, हम अपनी जिंदगी बनाने के लिए दो चार प्लान नहीं दिखा सकते क्या डेली? दिखा सकते हैं कि नहीं? दिखा सकते हो? आप में से कितने लोग हैं जो प्लान दिखा सकते हैं इस बिजनेस का? इस बिजनेस का जब तक प्लान नहीं दिखाओगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है. ये बिजनेस प्लान का बिजनेस है. काफी लोग बोलते हैं मेरे को, शर्मा जी आप हर जगह प्लान दिखा देते हो. मैं उनको बोलता हूं, भाई मेरे पास प्लान है इसीलिए तो दिखा देता हूं. तेरे पास कोई नौकरी का प्लान हो तो तू मेरे को दिखा दे. कोई है नौकरी का प्लान? क्या प्लान होगा नौकरी का? नौकरी का कोई प्लान ही नहीं होता. तुम में से किसी के पास, नौकरी करने वाले के पास कोई प्लान है? हमारे पास है, हम इसलिए दिखा रहे हैं. तो धुआंधार दिखाओ. समझ आ रहा है कि नहीं? जब हमारे पास प्लान है तब हम दिखा रहे हैं. तो ये जरूरी है, प्लान दिखा के आप इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर जा सकते हो. जा सकते हो ना? फिर काफी लोग मेरे को बोलते हैं, सर आपका बिजनेस जो है ना वो बहुत ही कठिन है. मैं बोलता हूं, यार इससे सिंपल बिजनेस नहीं है. बताऊं कैसे सिंपल है? आप में से कितने लोग रोज दांत मांजते हैं? सारे ना? सारे मांजते हो ना? ये बिल्कुल दांत मांजने जैसा है बिजनेस. बताऊं कैसे? रोज दांत मांजने पड़ते हैं जिससे कि दांत स्वस्थ रहे और मुंह अच्छा रहे. और रोज प्लान दिखाना पड़ता है इसलिए क्योंकि आप जीवन में डायमंड बन जाओ. सिंपल है यार, करना क्या? तो सिंपल है. सिंपल थिंग्स इस बिजनेस में बहुत आगे आपको ले जा सकती हैं. समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरा, इस बिजनेस में पेशेंस जरूरी है. दो लोगों ने जिनकी फोटोएं लगी हैं, आप देखो, दीपेंद्र सिंह सिसोदिया और चंद्र प्रकाश सिसोदिया, इन लोगों ने यहां पर पेशेंस रखा और ये डायमंड बने. इनके पेशेंस की कहानी कैसे है? पेशेंस इन्होंने कितने दिन रखा? जब से ये काम कर रहे हैं तब से आशा है कि इनको डायमंड बनेंगे. और इस दिन का इंतजार इनको हमेशा से था कि नहीं था? और आज इनका ये सफल हो गया, ये डायमंड बन गए. काफी सारे लोग पेशेंस की सही परिभाषा नहीं जानते. लेकिन काफी सारे लोग सोचते हैं, मैं पेशेंस कर रहा हूं. सर पेशेंस कैसे करते हैं वो लोग? टीवी देखते देखते पेशेंस करते हैं, घर में बैठे बैठे पेशेंस करते हैं. पेशेंस मतलब धैर्य रखते हैं. सही परिभाषा जानना चाहते हो पेशेंस की क्या है? पेशेंस की सही परिभाषा है कि आज आपने किसी को प्लान दिखाया और रिजल्ट नहीं आया, फिर आपने दो घंटे बाद किसी को प्लान दिखाया और फिर रिजल्ट नहीं आया. तीसरा प्लान दिखाने की अगर आप में हिम्मत है तो आप पेशेंस वाले हो. तीसवां प्लान दिखाने की आप में हिम्मत है तो आप पेशेंस वाले हो. और 300वां प्लान दिखाने की आप में हिम्मत है तो आप पेशेंस वाले हो. काफी सारे लोग लेकिन पेशेंस कैसे दिखाते हैं पता है? पहला प्लान दिखाया, रिजल्ट नहीं आया तो रिमोट लेके बैठ गए. अब उनसे पूछ रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहा भाई दूसरा प्लान? बोले, सर आज का दिन खराब है. बोला, आज मेरा सितारे सही नहीं है, नक्षत्र खराब है. समझ आ रहा है कि नहीं आपको? दूसरा, ये बिजनेस सीखना पड़ता है. कितने लोग सीखने को तैयार है ये बिजनेस? आज से पहले आप में से काफी सारे लोग जो यहां आए होंगे, हर बार भगवान से प्रार्थना करते होंगे कि कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे कि हम करोड़पति अरबपति बन पाए. ऐसा चाहते थे ना आप? आज भगवान ने वो आपको मौका दे दिया है. सेफ शॉप कंपनी दिखा दी है. मेरे को भी एक दिन दिखाई थी, मैंने इसको पकड़ लिया, आज तक छोड़ा नहीं.
आज से आप भी पकड़ सकते हो और छोड़ोगे नहीं तो आप डायमंड बन सकते हो, दिखा दिया ना। लेकिन इसके पीछे एक क्रक्स है। क्रक्स क्या है? काफी सारे लोग जो आज आए हैं यहां पर वो फंस गए आज। क्यों फंस गए? फंस गए मतलब आज भगवान के बाद भगवान को जाके आप शिकायत नहीं कर सकते कि भगवान आपने मेरे को मौका नहीं दिया। दे दिया ना, आप कुछ करके दिखा दे, दे तो दिया। थैंक यू वेरी मच। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आज आपके पास मौका है, आप दूसरे डायमंड्स को देख के, यहां पर काफी सारे लोगों को सुन के, आप इन सब चीजों को जानने के बाद आज आज ये प्रण कर सकते हो जिंदगी बनाने का कि मेरे को इस बिजनेस में जिंदगी बनानी है। कर सकते हो कि नहीं? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दुख एक ही है आदमी को कि उसके पास पैसे नहीं है। सही है कि नहीं? लोग बोलते हैं यार आप पैसा पैसा करते हो। अरे यार 36 साल के हैं अभी, इस उम्र में कोई राम राम करेंगे, पैसा पैसा ही करेंगे यार, अभी उम्र क्या है? समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? क्योंकि अभी 36 साल के हैं, अभी वो राम नाम लेने के दिन नहीं आए हैं, 50 साल के बाद मंजीरे बजाएंगे। लेकिन अभी अभी क्या करना चाहिए? अभी पैसे कमाने का मौका है, कमाने चाहिए कि नहीं? काफी सारे लोग बोलते हैं सर पैसे की जरूरत क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे की जरूरत क्या है। उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा डायलॉग लाया, घर ले जाना आप उस डायलॉग को। पैसे की इसलिए जरूरत है दोस्त कि पैसे ऑक्सीजन जो है वो आदमी को जीने के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर एक सेकंड भी 15 सेकंड के लिए अगर बंद हो गई ऑक्सीजन तो मर सकता है ना आदमी। वेंटिलेटर पे जो रोग रखे रहते हैं ऑक्सीजन के भरोसे, वो लोग देखे हैं ना आपने। लेकिन दोस्तों ढेरों ऑक्सीजन अगर आपके पास हो तो पैसे नहीं खरीदे जा सकते, लेकिन पैसे हों तो ऑक्सीजन जरूर खरीदी जा सकती है। समझ आ रहा है कि नहीं? लाइफ में पैसे जरूरी हैं। बहुत सारे लोग पुरानी कहावतों पर भरोसा करते हैं। एक बार 700 साल पहले वाल्मीकि जो कबीर साहब आए, कबीर साहब ने एक जुमला बोल दिया कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। और हम सब पीछे पड़ गए, हमारे सब बुजुर्ग आदमी बूढ़े बड़े हमारे बाबा दादा सब पीछे पड़ गए उसके कि यार मालिक उतना दीजिए जिसमें कुटुम समाए। मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश की, जाना इसके बारे में, तो क्या निकल के आया बताऊं? 700 साल पहले सच बताओ कबीर दास की बीवी टल्ला मार के बोलती होगी चल डोसा खिला के ला, हमारी बोलती है कि नहीं? बोलती है ना। कबीर दास की बीवी बोलती होगी अब की बार करवा चौथ पे क्या दोगे, बोलो। उस टाइम एसी होते थे, कार होती थी, कोई टैक्स देना पड़ता था, यहां से वहां जाओ तो टोल टैक्स लगता था, बच्चे डीपीएस में पढ़ाने पड़ते थे, बीवी को दिन में एक बार हफ्ते में बाजार घुमाना पड़ता था। तो यार कबीरदास वो ही बोलेंगे जो बोलना था। 700 साल पुरानी युक्ति को आज लेके चलोगे तो आज का जीवन कैसे सही होगा? हम लोग पहले बैलगाड़ी से चलते थे, अपग्रेड हुई, उसके बाद और अपग्रेडेशन हुआ, आज तक जहाज तक पहुंच गए, लेकिन वो युक्ति जो बाबाओं ने सुन ली वो आज तक नहीं बदल रहे, ऐसे कैसे होगा? श्री श्री 1008 देवेंद्र शर्मा जी ने नई युक्ति का निर्माण किया, जानना चाहते हो? yes! सुनना चाहते हो? yes! मेरी युक्ति है अब कबीरदास की तर्ज पे बनाई हुई है, दिखाऊं आपको? yes! मालिक इतना दीजिए, मालिक इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, मालिक इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसे पीढ़ी बैठी खाए सियाबत रामचंद्र। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बिजनेस बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है दोस्तों, इस बिजनेस को आज के बाद छोड़ना नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरे को एक बात और बता दो आप सारे लोग, क्या इस धरती पर कितने ऐसे मौके हैं जहां पर एक गरीब आदमी करोड़पति बन सकता हो? मैं कुछ ऑप्शन डाल रहा हूं, अमिताभ की तरह राजनीति में बन सकता है, गरीब की रही नहीं अब, सही है? लाल बहादुर शास्त्री का वक्त निकल गया जब गरीब के बच्चे प्रधानमंत्री बनते थे, आजकल मुश्किल है। समझ आ रहा है? अभिनेता बन सकता है सलमान की तरह? बन सकता है? तो गरीब का बच्चा करेगा क्या बेचारा? गरीब का बच्चा करेगा नौकरी। क्यों? क्योंकि हर बाप अपने बच्चे को एक सलाह दे रहा है कि बेटा मैं चपरासी था, मैं क्लर्क था, तू ऐसा कर बीटेक एमटेक सीटेक करके कुछ ना कुछ बड़ा बाबू बन जा यार, कुछ बड़ा काम कर। और सब बच्चों को नौकरी की होड़ में लगा दिया है लोगों ने। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन नौकरी के बारे में मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, अगर सांप्रदायिक दंगे ना हो जाए तो बोल दूं, क्योंकि मैं जगह जगह सफर करता हूं,
वाहनों के पीछे लाइनें लिखी रहती हैं, उनको ढंग से पढ़ता हूं और उसमें से अपना मतलब निकाल लेता हूं। तो एक बार एक ट्रक पे लिखा था नौकरी के लिए एप्रोप्रिएट लाइन, दिस इज द लाइन फॉर एप्रोप्रिएट ऑफ जॉब वर्कर्स। बताऊं क्या लिखा था? भूखे मरेंगे नहीं, तरक्की करेंगे नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? नौकरी वालों से हालचाल पूछोगे, भाई साहब हालचाल क्या है, तो बोलेंगे यार वैसे ही हैं जो 10 साल पहले थे। समझ आ रहा है? मैं काफी जगह जाता हूं, मेरे को लड़के बोलते हैं आई एम डूइंग द जॉब सर, आई एम डूइंग द जॉब। मैं घर बैठ के सोच रहा, मैंने कहा यार अब अंग्रेजी में जॉब का मायने निकालना पड़ेगा। तो जॉब का स्पेलिंग होता है जे ओ बी, है ना? जे का मतलब जस्ट, ओ का मतलब ओवे, और बी का मतलब बॉस, जस्ट ओवे द बॉस, जस्ट ओवे द बॉस। समझ आ रहा कि नहीं? जब तक बॉस को ओवे करोगे तब तक नौकरी चलेगी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। अगर बॉस से महंगे कपड़ा पहनना चालू किया तो उसको शक होगा इसकी कोई जुगाड़ है। बोलो। बॉस से महंगे स्कूल में बच्चे पढ़ाए तो उसको तकलीफ होगी। बॉस से महंगी साड़ी अगर आपकी बीवी पहनेगी तो तकलीफ होगी। तो बॉस को ओबे करते रहो, हाथ जोड़ के पड़े रहो, तो जॉब चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। समझ आ रहा है? लेकिन व्हाट इज द बिजनेस, क्या है ये बिजनेस? दिस इज नॉट अ जॉब, यू आर द ओन बॉस, आप हो अपने बॉस इस बिजनेस में। व्यापार क्यों नहीं करते लोग? थैंक यू वेरी मच। व्यापार लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि लॉस खा जाता है, और नौकरी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बॉस खा जाता है। समझ आ रहा है? व्यापार इसलिए नहीं करते क्योंकि लॉस खा जाता है, और नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि बॉस खा जाता है। यहां ना तो लॉस है ना तो बॉस है, यू आर द योर ओन बॉस। समझ आ रहा है? तो ये बिजनेस बहुत सरल है। लास्ट में एक बात बता के अपनी बात खत्म करता हूं। इस बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा। कितने लोग सीखने को तैयार हो? शुक्रवार की ट्रेनिंग में आना होगा, फ्री में आ सकते हो। मैंने बहुत जगह देखा है इंजीनियर्स को डायमंड बनते हुए पूरी दुनिया में। मैं दुनिया का सिनेरियो देखता हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, तो दुनिया में बहुत सारे इंजीनियर्स डायमंड बनते हैं, पुलिस वाले डायमंड बनते हैं, आर्मी वाले डायमंड बनते हैं, डॉक्टर डायमंड बनते हैं, सीए डायमंड बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से आके लोग डायमंड बनते हैं। लेकिन पूरी दुनिया का एक सिनेरियो बता दूं सबको, आज तक नहीं देखा कि कोई आदमी डायमंड हो बाद में उसको इंजीनियर बनना पड़ा हो। समझ आ रहा है? पहले डायमंड हो बाद में पुलिस की नौकरी ढूंढनी पड़ रही हो, जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो कितने लोग अपने खानदान में डायमंड शिप लाना चाहते हैं? पक्का डायमंड बनना चाहते हो? तो डायमंड शिप का एक क्रक्स बता दूं, आपको इस डायमंड शिप को सीखना पड़ेगा। सीखने को तैयार हो? मैं एक सर्वे देख रहा था और उस सर्वे में एक बहुत ही अजीब बात लिखी थी जो मैं आपको बोल रहा हूं। आज तक इस धरती पर पानी में गिरने से कोई मरा नहीं है, ये लिखा था वहां। मैं शौक हो गया, मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, करोड़ों लोग पानी में गिरने से मरे होंगे। लेकिन बात को ध्यान दो, पानी में गिरने से आज तक इस धरती पर एक सिंगल मौत नहीं हुई है। पानी में गिरने से नहीं मरता आदमी, मरता तब है जब वो तैरना नहीं जानता है। मरता कब है? जब वो तैरना नहीं जानता है, और तैरना ना जानने के कारण वो एफर्ट करता है बचाने के लिए और उल्टे सीधे हाथ पैर मारता, थोड़ी देर बाद बुड़म बुड़म करके अंदर चला जाता। इस बिजनेस में एक भी आदमी सिंगल फेल नहीं हो सकता, गारंटी है, लिखवा के ले लो, 14 साल का तजुर्बा है। लेकिन इस बिजनेस में फिर भी हजारों लाखों लोग फेल होते हैं। कारण बताओ? वो लोग फेल होते हैं जो इस बिजनेस में तैरना नहीं सीखते, जो इस बिजनेस में क्या नहीं सीखते हैं, तैरना नहीं सीखते हैं, और हाथ